बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं शुएब निज़ामी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल शुएब निज़ामी जर्नल्स को पसंद करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है हम पाकिस्तान में जो मसाइल हैं आवाम के उनको हाईलाइट करें, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला लोगों का ये है कि उनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और लोग ये हर बंदा ये शिकायत शिकवा कर रहा है कि तारीख़ में कभी इतने इतने बिल आए नहीं। जिन लोगों के बिल 2,500-3,000 रुपये के आते थे वो अब 11,000 को क्रॉस कर रहे हैं, 15,000 को क्रॉस कर रहे हैं। तो बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? और जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम आपको बिलों में रिलीफ देंगे, वो रिलीफ़ है क्या? और उससे कितना रिलीफ मिलना था और वो कब तक का रिलीफ था और उस रिलीफ से कितना फ़ायदा होना था, इस सब पर अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलीम मलिक, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनर्जी के हवाले से और बड़े एफिशिएंट हैं, बड़े एक्टिवली तमाम के तमाम इश्यूज़ को देख रहे होते हैं। अलीम, आपका ये बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि लोगों को जो हुकूमत ने रिलीफ दिया था, रिलीफ क्या था और उसके तहत लोगों को क्या रिलीफ मिलना था? देखें, जैसे कोविड-19 कोरोना की सूरत हाल आई तो सूरत हाल में ये था कि हुकूमत की कोशिश रही है, जो उन्होंने ज़बानी कलामी किया है, कि आवाम को रिलीफ दे सकें। रिलीफ़ ये नहीं होता है कि आपने एक अमाउंट अगर 100 रुपये है तो उसको 100 रुपये को डिवाइडेड बाय 3 करके 3 इंस्टॉलमेंट कर दे। रिलीफ़ ये होता है कि आपने कहा कि चलो एक मुश्किल सूरत हाल है, 100 रुपये की अमाउंट बनती है, इसको हम कर देते हैं 70-60 रुपीज़ कर देते हैं या इतना कर देते हैं, वो रिलीफ़ होता है। हुकूमत ने ये नहीं किया, यहाँ कहा तो यही गया कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट में चीज़ पे की जा रही है। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि आपने 100 रुपये की चीज़ है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 किस्तें हैं। इस महीने आपको 100 रुपये का बिल आया है, उसमें से आपने 100 नहीं देना, उसमें आपने 70 या 60 रुपीज़ देना होगा और आपके ये 30 या 40 रुपये जो अगले महीने चले जाएँगे। अगले महीने जब आपका बिल आएगा तो आपका बिल 100 रुपये नहीं आएगा बल्कि वो आपका बिल 140 रुपये आएगा। उसमें से भी आपको फिर रिलीफ दिया जाएगा, उसमें से आपको कहा जाएगा कि आप 140 रुपये ना दें, अब फिर 90 रुपये दे दें। वो 90 रुपये जब आपके जो बकाया आपके 60 रुपये होंगे वो थर्ड महीने में, यानी आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो आपके तीसरे महीने आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कोई चीज़ माफ़ नहीं कर रही। एक चीज़ हर किसी को ये जहनशीन कर लेनी चाहिए कि आपके किसी भी बिजली या गैस का कोई भी बिल माफ़ नहीं किया गया। यानी कि इसमें बड़ी खबर ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो रिलीफ था वो माफ़ नहीं था, वो अदायगियाँ थी वो सिर्फ मौखर की गई थी। और जो हम ये कह रहे थे कि 70 अरब रुपये का बड़ा रिलीफ जो है वो साफिन को दिया जाएगा, तो वो जो है फॉर द टाइम बींग कुछ अर्से के लिए लोगों को जो है वो पेमेंट ना करने को डेफरमेंट जो है वो दी गई, लेकिन डिलीट नहीं हुई रकम। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डेफर। बेसिकली ये चीज़ डेफर हुई है, यानी मौखर हुई है। ये नहीं है कि आपके अकाउंट में माइनस नहीं हुई है, अभी भी सार्फीन को जो बिल आ रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने एक मिस मैनेजमेंट ये की कि बैंक में जाएं तो बैंक आपको इंस्टॉलमेंट में कहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट आपने पे करना है। ऑनलाइन अगर आप पे जब कराने चाहते हैं तो वहाँ आपको कहा जाता है कि नहीं जी, आपने इसको पूरा ही पे करना है। ठीक है, सार्फीन को ये भी बड़ी मुश्किल पेश आई। और ये कहीं भी नहीं किया गया कि सार्फीन के सारिफ का बिल माफ़ किया जा रहा है। सारिफ का बिल मौखर किया गया, वो अमाउंट जो उसने जो बिजली कंज्यूम की, जो उसका बिल आया हुआ था, उसने हर सूरत देना है और उसने देना ही देना है। ये कहीं नहीं है कि उसको ख़त्म किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, ये एक लॉलीपॉप दिया गया है कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। क्या रिलीफ दे रहे हैं? आपका 200 रुपये का बिल है, आप उसको 150 जमा करा दें, आप 100 रुपये जमा करा दें, 100 रुपये अगले महीने जमा करा देंगे, तो इनडायरेक्टली आप पे बर्डन डाला गया है, आपको रिलीफ नहीं दिया गया। ये बताएं मलिक साहब, जो लोग ये शिकवा कर रहे थे कि अगर उनका 480 का बिल है तो वो 160 जमा करा दें, अगर 1,000 रुपये का है तो 350 रुपये जमा करा दें, तो ये 1/3 जमा हो रहा था। तो ये अब हम जो देख रहे हैं कि जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये 66% एक महीने का, 66% एक महीने का, तो ये 130% जो हम देख रहे हैं ये पिछले 2 महीनों की पेमेंट है जो कि लोगों के बिलों में लग के आ रही है? इसमें शाह साहब, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बिल ज़्यादा आने की 3 वजूहत हैं। ए, कि कुछ इलाकों में लॉकडाउन की वजह से रीडिंग नहीं हुई है, रीडिंग नहीं हुई है तो अप्रॉक्सीमेट बिल भेजे गए हैं। सार्फीन अगर अपने मीटर्स पे देखें तो मीटर्स में जहाँ तस्वीर आती है वहाँ तस्वीर नहीं आई हुई है। ठीक है, एक तो ये वजह है, वो बिल अपने करेक्ट करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ बकायाजात जो हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सारे बकायाजात जब लमसम आपके ऐड हो रहे हैं, पहले तो यह सार्फ ये समझता था कि ठीक है जी इतनी अमाउंट नहीं बनेगी, लेकिन जो अब लमसम अमाउंट एक वो कलेक्टिव बन के आई है, ग्रैंड टोटल बना है, तो वो बहुत ज़्यादा बिल आ गया, जिससे सार्फ को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर वही सार्फ जो उसका 500 रुपये या 1,000 रुपये बिल आ रहा था, अगर वो पूरा ही अपना बिल पे कर देता तो शायद उसको अब आज तीसरे महीने इतना उसको उसके लिए माली परेशानी ना बनती जो कि अब बन गई है। क्यों? कि उसने तो यही समझा कि उसको ये बिल जो है उसका मिनहा हो रहा है, उसका माइनस हो रहा है, उसको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन उस गरीब को तब पता चला है कि उसको रिलीफ नहीं दिया गया बल्कि एक लॉलीपॉप दिया गया है कि आप इंस्टॉलमेंट में कर दें, इंस्टॉलमेंट में कर दें, इंस्टॉलमेंट में कर दें। अगर गवर्नमेंट वाकई चाहती और एक पैकेज जैसा कि उसने इंडस्ट्रीज़ को दिया, बड़े बड़े माफियाज़ को दिया, तो ये आम आदमी को भी दे सकती थी कि जी 100 रुपये यूनिट तक या 100 यूनिट तक या 200 यूनिट तक या 150 यूनिट तक, जितने सारे बिल इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, 100 यूनिट वाले को बिल नहीं आएगा,
दैट वो रिलीफ होता है, लेकिन ये रिलीफ नहीं है कि आप कहें कि जी अमाउंट हमने लेनी है, हमने किससे करके लेनी है। उससे तो उल्टा आपने वहाँ पे बर्डन डाल दिया, जिसकी वजह से आज वो मसाइल के शिकार हैं। अब एक आदमी बेचारा इकट्ठी, वो शायद पहले तो वो बिल जमा कराता रहता, लेकिन आज जब उसके पास एक अमाउंट इकट्ठी हो गई है तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि वो उसको कैसे एडजस्ट करें। अच्छा, कुछ लोग जो शिकवा कर रहे हैं, शिकवा जायज़ कर रहे हैं कि जब वो बैंक जाते थे और बैंक वालों से कहते थे कि हमारी पूरी रकम जमा करें, तो बैंक वाले उनको ये मशवरा देते थे कि नहीं, जो रकम इसके ऊपर लिखी हुई है यानी कि 1/3 या 33% वही जमा कराई जाए। कैसी शिकायतें जायज़ हैं लोगों की, ये ऐसा हुआ है? देखिए सर, जैसे ये पहले तरीकाकार स्टार्ट हुआ ना, तो इसमें सबसे बड़ी एक मिसमैनेजमेंट ये की गई कि दो ऑप्शन दे दिए गए। आप फुल अमाउंट जमा कराना चाहते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में जमा करा देना चाहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन ये हो गई कि पहले बैंकों ने इसको, इस सिचुएशन को हैंडल करने से इनकार कर दिया। बैंकों ने कहा कि हम पूरी रकम लेंगे, फिर उन्होंने ये किया कि इसको और जितनी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनकी जानिब से जो बैंकों के हेड्स हैं उनको लेटर लिखा गया कि काइंडली आप हमें फैसिलिटेट करें, जो सारे जितना बिल जमा कराना चाहता है आप उससे वही बिल लें। देन जाके ये हुआ, क्योंकि बैंकों को ये नहीं पता चलता था कि ये एक अमाउंट पूरी भी लिखी हुई है और नीचे भी लिखी हुई है, क्योंकि बिल अगर आप देखें तो बिल आइसको वाला तो टेक्निकल चीज़ है, वो उसको समझ जाता है, लेकिन एक बैंक का या एक जो क्लर्क है या पोस्ट ऑफिस में बैठा हुआ बंदा उसको नहीं समझ सकता कि मैंने ये अमाउंट जमा करनी है या ये मैंने बड़े वाली अमाउंट जमा करनी है। तो इस वजह से इब्तिदा में लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा, बैंकों को भी मसाइल का सामना था, क्योंकि बैंकों ने ये अमाउंट आगे जमा करानी होती है, उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं होती है। इस वजह से उस थोड़ी सी कन्फ्यूजन को आइसको की जानब से या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जानब से रिमूव किया गया। मुख्तलिफ बैंकों के हेड्स जो हैं उनको एप्लीकेशन से लेटर लिखे गए कि आप सार्फिन को फैसिलिटेट करें कि चाहे वो किस्तों में जमा कराना चाहते हैं या पूरी अमाउंट जमा कराना चाहते हैं। तो इब्तदाई तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में जब एक आध महीना गुजर गया और एक तरीक़ाकार बैंकों को भी पता चल गया कि उन्होंने क्या करना है, तो देन जाके कुछ जो है जो सार्फिन हैं उनकी मुश्किल में कदरे जो है कमी आई। मैं सब ये बताएं कि अब तो बिल्कुल बिल की जो आखिरी तारीख है वो सर के ऊपर है, जुर्माने भी सर पे खड़े हैं, तो क्या करें? आप समझते हैं कि लोग इस वक्त भी इसको डेफर हो सकता है या लोगों को बस कहीं से पैसे पकड़ें ये उतारें ताकि जुर्माने ना लगें? देखें, जो गवर्नमेंट की पेमेंट होती है वो हर सूरत करनी है, आपको पता है, अच्छे तरीके से पता है कि गवर्नमेंट की जो अमाउंट होती है वो आपने हर सूरत पे करनी होती है। इसका तरीक़ाकार सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि चूंकि अब जो सार्फिन हैं उनके बिल आ गए हैं, अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं तो हर सूरत दे दें, क्योंकि उसके अलावा जब भी बिल एक सारिफ की इतला के लिए ये भी है कि बिल जब भी ज़्यादा आए ना तो हर वक्त आपके पास इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन होता है। मुतलका आपकी जो कंपनी है उसके आरओ में जाएं, रेवेन्यू ऑफिस में जाएं, वहाँ जाके कहें कि यार ये अमाउंट इतनी ज़्यादा आ गई है, मैं नहीं जमा करा सकता, मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए, तो उसका हाल फिर भी जो है वो इंस्टॉलमेंट ही होती है, उसको इंस्टॉल करके डिवाइड करके बिल दे दिया जाता है। बिल आपको हर सूरत पे करना होता है, और यही ज़्यादती की गई है कि आवाम के साथ आवाम को रिलीफ के नाम पे लॉलीपॉप दे के रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि उनके साथ एक मजाक किया गया। आपका बहुत शुक्रिया अली मलिक, आपने वक्त दिया। जी नादिन, आपने देखा कि यही कहा जा रहा है कि जो आवाम ये समझ रहे थे कि 70 अरब रुपए का रिलीफ का अनाउंस हुआ था वो सिर्फ एक डेफर पेमेंट थी और वो बिल आपको जमा कराने ही थे और अब भी आपको जमा कराने हैं। अगर आपके लिए मुमकिन है कि आप वो रकम जमा करा सकते हैं तो आप कहीं दोस्तों से उधार लेकर उस रकम को उतार दें, अगर वो नहीं कर सकते तो आप फ़ौरन अपने जो मुतल्लिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके आरओ ऑफिस जाएं और वहाँ जाकर इस बिल की किस्तें करा लें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बिल से जान छूट जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। शेख निज़ामी को दें इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम।